नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब सभी पार्टियों की नजर होगी विधानसभा चुनावों पर। देश के जिन राज्यों में अगले 12 से 18 महीनों के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां के लिए तमाम राजनीतिक दल अब अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें बिहार भी है। बिहार में अगले साल मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और प्रदेश की 243 सीटों पर विधानसभा की चुनाव होनी है। जिसे लेकर अब बड़ी खबर ये आ रही है कि जेडीयू प्रमुख और सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री करने जा रही हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी की तरह नीतीश के बेटे निशांत अब तक राजनीति में जरा भी सक्रिय नजर नहीं आए। हालांकि कभी कभी मीडिया कर्मी के सामने वो आते यहां जरूर देखे गए, जहां मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल भी किए, लेकिन राजनीति में सक्रियता निशांत कुमार की देखने को नहीं मिली। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार यहाँ जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो क्या अपने बेटे निशांत कुमार को भी साथ रखेंगे या फिर नहीं। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने इस साल की 28 जनवरी को ही महागठबंधन छोड़कर के एनडीए गठबंधन में वापसी की थी, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश में लोकसभा चुनाव 16 सीटों पर एनडीए गठबंधन के तहत लड़ा और 12 सीटें जीतने में कामयाब रहे। हालांकि 2022 में एनडीए छोड़कर वो महागठबंधन का हिस्सा बन गए थे, लेकिन उसके बाद से ही लोकसभा चुनावों से पहले उनकी एनडीए में वापसी को लेकर लगातार बात कही जा रही थी। लेकिन यहां पर अब एक और चीज महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार अब तो साथ है, लेकिन सवाल उन्हें लेकर यह भी बन रहा है कि अगले साल प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले वो पार्टी का साथ छोड़ भी सकते हैं, यानी महागठबंधन का रुख कर सकते हैं। इसको लेकर प्रसिद्ध राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी कई बार दावा कर चुके। वाकई में देखने वाली बात रहेगी क्या नीतीश बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं या नहीं, और उनके बेटे निशांत कुमार क्या अगले साल बिहार विधानसभा चुनावों में सक्रिय नजर आएंगे या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9।